जीनत, जीनत, खुदा खैर करे, कहाँ मर गई कम्बख्त तुम्हारी? अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। जीनत अब तक नहीं आई? वो तो ईद की नमाज पढ़ के ही आएगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मगर अब शीरखुरमा बनाएगा कौन? सबको तो नमाज के लिए जाना है। सब लोग नमाज के लिए चले भी गए। क्या गुसल खाने में मुझे जरा सी देर क्या हो गई, सब चले गए? जी बड़ी आपा, और रहा सवाल शीरखुरमे का, तो मैंने बना दिया है और सबने खा भी लिया। ईद की नमाज पढ़ने जाने से पहले मीठा खाकर जाना सुन्नत है। मालूम है, सब मालूम है मुझे। बड़ी आई है दीन इस्लाम सिखाने वाली, अगर इतना ही जानती है तो तबलीगी जमात में जाकर शामिल क्यों नहीं हो जाती? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक भाभी। ईद मुबारक। यहाँ आओ, तुम्हारी ईदी निकाल के रखी थी। लो, शुक्रिया भाभी। हर साल मैं काम बाद में शुरू करती हूँ, मुझे ईदी पहले मिल जाती है। खुश रहो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। लो बेटा प्रसाद लो, आज का दिन बड़ा शुभ है। वो तो है दादी माँ, आज ईद जो है। हाँ, अरे तुम्हें तो जहीर के यहाँ जाना है। सिर्फ हमें क्यों, आपको भी तो चलना है हमारे साथ। तुम्हारा बाप उठ तो लेने दो सो के। अच्छा एक करो, तुम लोग जाओ, मैं अनुभव के साथ बाद में आऊंगी। ठीक है, मैं देख लेती हूँ वो जाग गया है या नहीं। जी दादी माँ। आराम से आराम से। चलिए पतिदेव जी, लड्डू बाद में खाइए और जल्दी से तैयार हो जाइए, जहीर भाई के घर जाने के लिए देर हो रही है। चलिए उठिए आइए। माशाल्लाह, ईदगाह से गाड़ी निकालते निकालते आधा घंटा लग गया। ईदगाह में तो भीड़ होती ही है, इसमें कौन सी नई बात हुई? नहीं फिरोज भैया, पिछले साल से इस साल भीड़ कुछ ज्यादा थी। दूल्हे भाई आप हर साल यही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम दोबारा। आपको भी। अस्सलाम वालेकुम बेगम। जवाब तो हम दे चुके हैं, हम बार बार जवाब क्यों देंगे? जी नहीं, जवाब आपने अपने भाइयों को दिया है, मुझे नहीं। एक शीर कौवा नुमा जवाब दीजिए और वो भी मुस्कुरा के। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप सबके लिए शीर खुरमा लेकर आती हूं। ये देखिए, मुझे बड़ी फूफी ने ईदी दी है। आपा ये 500 रुपए नाज को देने की क्या जरूरत थी? अरे आज तो ईद है, बच्ची अपने तौर तरीके से खर्च करेगी। खुदा खैर करे, मैं तो नाज की अहमियत को जानती हूँ ना। आपा जब 7 साल की बच्ची को 500 रुपए, तो मेरी अहमियत का अंदाजा लगा सकती है। चलिए दीजिए मेरी ईदी। मैं जाकर देखती हूँ कि नसरीन अभी तक शीर खुरमा क्यों नहीं लाई। मामू जान, मेरी ईदी। अरे आपको ही क्यों, मुझे तो ईदी सबको देनी है बेटा। अस्सलाम वालेकुम जहीर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम वेलकम। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आपको भी भाई। ईद मुबारक आप सबको। आपको भी भाभी। लगता काफी दौर चल रहा है सुबह से शीर खुरमा के। डॉक्टर साहिबा आइए तशरीफ रखिए। भाभी जी की निगाहें नसरीन भाभी को ढूंढ रही है। नसरीन आपका इंतजार कर रही है, अंदर तशरीफ ले जाइए। जी आओ नाज। आओ भाई बैठ आइए। आइए। अच्छा नाज, अम्मी से कहो कि आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है आंटी। और लंदन में क्या चल रहा है सुधीर भाई? भाई एक एनआरआई है मिस्टर हरीश शाह, उनके लिए सुंदरगढ़ में एक ऑयल रिफाइनरी का प्लांट लगा रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो तो ठीक है सुधीर भाई, लेकिन मेरे क्रशर प्लांट का क्या होगा? आप फिक्र मत करिए जहीर भाई, वो भी लग जाएगा। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि मैग्नीज का एक्सपोर्ट तुम खुद करो। ये तो अच्छी बात है,
अब माइंस में से माल हम निकालते हैं और मलाई कोई और खा जाता है। माइनिंग का धंधा ऐसा है दूल्हे भाई, इसमें जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा कमाई होगी। और जब तक आपकी निगाहें करम हम पर हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। ये बताओ जहीर की घर में सब खैरियत तो है? अल्लाह का करम है सुधीर, रमजान का महीना पूरी पाबंदियों के साथ गुजर गया। बहुत अच्छा है। हाँ। शुक्रिया। लो फिरोज लो। शुक्रिया। नसरीन मी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। यूरोप का टूर तो मजेदार रहा ना? बहुत मजेदार। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। जीनत, जीनत की बच्ची कहाँ मर गई? अरे डॉक्टर नी, तुम कैसी हो? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपा। और आप कैसी हो? एक बात कहूँ आपा, मेरा नाम निमी है। खुदा खैर करे, ओहदा तो नाम से बड़ा होता है। आपको मिलके बहुत खुशी होती है आपा। निम्मी, अब तुम्हें बड़ी आपा से मिलने के लिए ईद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब वो यहीं रहेंगी। अच्छा, क्या कहना चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर पे कब्जा करने के इरादे से मैं यहाँ रुक गई हूँ? हाँ नहीं बड़ी आपा, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें, खूब समझती हूँ तुम्हारी बातों का मतलब। खुदा खैर करे, अगर मेरा भाई यही चाहता है कि मैं हमेशा उसकी नजरों के सामने रहूं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? बढ़िया पाप। नसरीन, नसरीन। अरे बहू बेगम रुक जाओ। हाय हाय हाय, क्या कुछ कहकर चली गई वो, और मैंने दो लफ्ज क्या कह दिया तो टसवे बहाते अंदर चली गई। अब तुम ही बताओ डॉक्टरनी, जहीर जो कुछ भी सोचता है ठीक ही सोचता है ना? घर में बड़े रहे तो बच्चे महफूज रहते हैं, क्यों? नसरीन, नसरीन हौसला रखो, तुम तो जानती हो तायरा आपा के स्वभाव के बारे में, फिर क्यों दिल पर ले रही हो? सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे एक जरूरी ऑपरेशन अटेंड करना है। रोना नहीं, ओके? स्माइल। सब ठीक हो जाएगा। बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो नसरीन बेटी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटी, जीते रहो, खुश रहो। अब्बू फिरोज आया है। अरे वाह, मुबारक हो मुबारक हो, फिर तो भाई ईद की रौनक और भी बढ़ जाएगी। अब्बू आप और अम्मी खुशबू के साथ यहाँ जल्दी से पहुँच जाइएगा। हाँ 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 बेटी, हम लोग बिल्कुल ठीक समय पर पहुँच जाएंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटी। अब्बू जान, आपके दोस्त चले गए? हाँ भाई, मेरे दोस्त तो चले गए, लेकिन तुम अब तक क्या कर रही थी? अबू जान, साल में एक बार ईद आती है ना, मेरी भी कुछ सहेलियाँ आई थी, मैं उनके साथ थोड़ा वक्त गुजार रही थी। तुम्हारी सहेलियाँ खुश होकर गईं? जी हाँ। अब अपनी अम्मी जान से कहिए कि फौरन तैयार हो जाए, नसरीन के यहाँ जाना है, वहाँ से दो बार फोन आ चुका उसका बेचारी। अबू जान, अम्मी जान कब से तैयार होकर बाहर गाड़ी के पास खड़ी है, आपका इंतजार कर रही है। अरे वाह, तो मैं भी तो तैयार हूँ भाई, चलो। चलिए बेटी, 1.5 महीने के बाद यूरोप के टूर से आया हूँ ना, तुम सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है उनसे मिलने का। नाज को मिले बगैर मेरी ईद कहाँ पूरी होगी? बिल्कुल। अरे हाँ, गिफ्ट्स के पैकेट गाड़ी में रख लिए थे ना? जी हाँ बिल्कुल। अब खाली हाथ जाऊंगा तो दामाद पता नहीं क्या सोचे। उस घर में उन लोगों के बिना भी और कई लोग हैं। अरे हाँ, नसरीन कह रही थी कि फिरोज भी आया हुआ है। फिरोज आए हैं? अच्छा चलो। लेकिन अबू जान, चलने से पहले मेरी ईदी कहाँ है? ओफो, तुम्हारी ईदी।
कमाल है, अनवर भाई को तो अब तक आ जाना चाहिए था। भाई वो तो ठहरे पुलिस वाले, लेकिन आपके ससुर फारूक सैयद साहब कहाँ हैं? अब देखिए ना, उनका भी कोई पता नहीं है। दूल्हे भाई, बिरयानी की खुशबू आ रही है, कब तक खुद पे काबू रखूं? इसे तो हमेशा भूख ही लगी रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मुबारक ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो भाई, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो भाई साहब, ईद मुबारक हो आज़ीज़ साहब। ईद मुबारक, ईद मुबारक आपको भी, तुमको भी। अनवर भाई, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी बताइए? इनका बस चलता ना भाईजान, तो सारी मुंबई की पुलिस को बिरयानी खिला कर आते। अब तो आ गए ना आपा, अब इन्हें जाने कौन देता है? ससुराल आकर जाना भी कोई चाहता है साले साहब? अम्मी मैं नास के पास जाऊं? लीजिए अभी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। मियां अबू, बहुत शिकायत है आपसे, आपने आने में इतनी देर क्यों की? क्यों भाई, हमारे यहाँ मेहमान नहीं आते क्या? अरे हाँ आते जरूर हैं, लेकिन फारूक अंकल सबको शेर नहीं सुनाते। इसी बात पे एक ताजा शेर हो जाए। हाँ हाँ जरूर, शेर अर्ज है जी। तशरीफ रखे। हाँ बैठा। सुनो भाई, अर्ज है, ईद का जश्न, ईद का जश्न जो हम लोग मनाने निकले, ईद का जश्न जो हम लोग मनाने निकले, शोर उठा, शोर उठा के मोहम्मद के दीवाने निकले। क्या बात है, शोर उठा के मोहम्मद के दीवाने निकले। क्या बात है सैयद साहब, मोहम्मद के दीवाने निकले, वाह। एक एक और शेर हो जाए भाई। अभी तो आया हूँ, जरा दम ले लूँ, बहुत अरसे से अपनी बेटी से भी बातचीत नहीं हुई, जरा उससे भी मिल लूँ। नसीन अपने कमरे में है, जाइए मिल लीजिए। अच्छा मैं अभी हाजिर हुआ। चलो भाई आइए। ईद मुबारक हो बेटी। आपा ईद मुबारक। ईद मुबारक, खुश रहो। अबू ईद मुबारक। हाँ। ईद मुबारक, खुश रहो। आपा मेरी गुड़िया रानी कहाँ है? यही कई बच्चों के साथ होगी। कैसी हो बेटी? मैं खुश हूँ, आप कैसे हैं अबू? बस अल्लाह की नवाजिश हो। आप लोग बैठिए ना, आइए आइए। हाँ आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए शीर खुरमा लेकर आती हूँ। क्यों, आप कहाँ जा रही हैं? नौकर कहाँ है? अरे अब्बू और अम्मी इतने दिनों बाद घर आए हैं, मैं खुद अपने हाथों से लेकर आऊंगी। अल्लाह का कर्म है कि हमारी बेटी नसरीन को इतनी अच्छी ससुराल मिली। मेरी तो बस यही दुआएं हैं कि इस घर में खुशियों की बरसात हमेशा होती रहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दादी माँ आओ बेटे। क्या बात है दादी माँ, आप अभी तक सोई नहीं? बेटे बुढ़ापे में नींद भी आंखें चुरा लेती है, आप जाइए, मैं थोड़ी देर दादी माँ के पास बैठ कर आती हूँ। ठीक है। दादी माँ कैसा रहा ऑपरेशन? बहुत कॉम्प्लिकेटेड था दादी माँ। अच्छा और नसरीन कैसी है? दादी माँ मैं नसरीन के बारे में सोच रही हूँ, आज जो मैंने उसके हालात देखे ना, मेरा तो दिल दहल गया है। लेकिन तुम तो कहती थी कि नसरीन बड़ी खुश है, जहीर उसका बड़ा ख्याल रखता है, और फिरोज तो उसके ऊपर जान छिड़कता है। दादी माँ ईद से पहले तो नसरीन की जिंदगी खुशहाली से भरी हुई थी, पर पता नहीं इस बार की ईद उसकी जिंदगी में कैसी आंधी लाई है जिसने उसकी सारी जिंदगी को बिखेर के रख दिया है। ऐसा कौन आया है वहाँ?
जहीर भाई की बड़ी बहन ताहिरा। ताहिरा? लेकिन वो तो अपने पति और बच्चे के साथ रायचूर में रहा करती थी। हाँ दादी माँ, लेकिन अब वो यहीं रहने आ गई है। बड़ी बददिमाग औरत है, सारे घर को काबू कर लिया है। बेचारी नसरीन की जिंदगी तो एक नौकरानी से बदतर कर दी है। मुझे तो डर लग रहा है दादी माँ, अगर ऐसे ही हालात रहे ना तो नसरीन बेचारी तो पागल हो जाएगी। लेकिन तुम लोगों को जहीर को बताना चाहिए था। बात तो की थी दादी माँ, लेकिन जहीर भाई का कहना है कि एक दिन ताहिरा और नसरीन के बीच की दीवार टूट जाएगी और वो एक दूसरे को समझ लेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। खुदा खैर करे। छोटी, पैसे गिन रही हो? जी बड़ी आपा, ईदी के पैसे हैं। आपने मुझे ईदी नहीं दी? खुदा खैर करे, तुम्हें ईदी की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो हर दिन ईद और हर रात दिवाली है। आज के दिन भी तंज करने से बाज नहीं आई आप। हाय हाय, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है ये कंगन, कब बनवाए? कम से कम 5 तोले का तो होगा। लगा दी ना नजर, बनवाया नहीं है, जहीर भाई ने बनवा कर दिया है। जहीर ने तो नहीं बनवा के दिया होगा, लेकिन बने होंगे जरूर जहीर के पैसों से। बड़ी आपा, मैं खूब समझती हूँ आपका मतलब। भाई जान ने घर की जिम्मेदारी मुझे क्या दे दी, मैं आपको आंखों में खटकने लगी? क्या बात है आयशा, बाहर हॉल में सब मेहमान बैठे हैं, तुम इतनी ऊंची आवाज में बोल रही हो, वो भी बड़ी आपा से? हाय हाय, आज तुम्हारी छाती क्यों फटने लगी? अगर इसने मुझसे कुछ कह दिया तो? और नहीं तो क्या, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। आप कौन होती हैं हम दोनों बहनों के बीच में बोलने वाली? लेकिन अरे जा जा, आज इतनी हमदर्दी क्यों जता रही हो? वैसे तो दिन रात दिल में कोसती रहती होगी कि इसने मेरे शौहर के घर पर कब्जा कर लिया, जहीर इसकी हर बात मानता है। अरे जा जा, ये झूठी हमदर्दी किसी और को जाके जताना। अपा, निकल जाओ यहां से। वाह वाह वाह, क्या ईद मिलन है, मोहब्बत की बरसात हो रही है। ईद के दिन भी आप दोनों के रवैये में कोई फर्क नहीं आया। बड़ी आपा, ईद के दिन तो लोग दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं, और एक आप हैं जो अपनों को भी दुश्मन बना रही हैं। याद रखिए बड़ी आपा, तंग दिली और ताना कशी का यही आलम रहा ना तो जन्नत जैसा हमारा घर एक दिन जहन्नुम से भी बदतर बन जाएगा, याद रखिए आप। क्या कहा, क्या कहा तुमने? तुमने जहीर मियां के इस आशाने को जहन्नुम कहा? खबरदार, कभी ख्वाब में भी ऐसा मत सोचना। तुम क्या जानती हो, मैंने अपने खून पसीने से जहीर की जिंदगी सवारी है। आज जहीर जो कुछ भी है वो मेरी बदौलत है। अगर आज के बाद तुमने जहन्नुम जैसा मनहूस अल्फाज इस जन्नत जैसे आशाने में इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी, समझी तुम तो?